नमस्कार आदाब, स्वागत है हमारे गुरु ज्ञान आयुर्वेदा चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे तुलसी के चमत्कारी गुण व बेनिफिट के बारे में। तुलसी का पौधा लगभग भारत के हर प्रांतों में पाया जाता है। इसे हम लोग पवित्र भी मानते और इसकी पूजा भी हम लोग करते हैं, लेकिन यह केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि ये औषधीय गुणों से बहुत ही भरपूर होता है। इसे आयुर्वेद के किताबों में अनेक गुण बताए गए हैं। इसमें अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता होती है और डॉक्टर के पास जाने से भी रोकती है। और एक बात और है कि तुलसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसका उपयोग किसी भी उम्र के व्यक्ति भी कर सकते हैं। तुलसी में गजब रोगनाशक तत्व होती है। ये सर्दी, खांसी, बुखार में अचूक दवा की कार्य करती है। तुलसी कई बीमारियों के लिए घरेलू उपचार है। यह एक जीवाणुनाशक के रूप में भी काम करती है। आमतौर पर तुलसी की पत्तियां बीज जड़े ही इस्तेमाल में लाई जाती है, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आइए जानते हैं तुलसी से क्या क्या बेनिफिट हैं और इसका उपयोग किस किस तरह से किया जाता है। चेहरे को चमकाती है। त्वचा संबंधी रोगों के लिए बहुत ही असरदार है। ये चेहरे से कील, मुहासे, झुर्रियाँ इत्यादि दूर भगाने में बहुत ही कारगर औषधि है। बुखार को ठीक करती है और बुखार आने पर 2 कप पानी, 1 चम्मच तुलसी का पाउडर उबाल लें और उसे काढ़ा बनाकर दिन में 3 बार इस काढ़े का इस्तेमाल करें तो बुखार 1 से 2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तुलसी गुर्दे की पथरी निकालने में बहुत ही सहायता करती है और गुर्दे को मजबूत भी बनाती है। यदि किसी व्यक्ति को गुर्दे में पथरी हो गई हो तो उसे शहद में मिलाकर तुलसी का अर्घ को नियमित सेवन करने से कुछ ही दिनों में पथरी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है और आप पथरी की समस्या से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तुलसी हृदय रोगी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे हृदय रोग दूर हो जाते हैं, त्वचा के रोग दूर करती है। घाव, खुजली, दांत खाज जगह पर तुलसी का अर्घ लगाने पर इन समस्याओं से छुटकारा मिलती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।